हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ MBBPSC, UPPSC, SSC, KVS, NVS, CTET सभी एग्जामों को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही सीरीज़, 1 मिलियन GK क्वेश्चन की सीरीज़ इन हिंदी। YouTube पर पहली बार आप लोग देख रहे हैं, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको प्री निकालने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है। और अगर आप लोग कर रहे हैं MBBPSC मेंस की तैयारी, UPPSC मेंस की तैयारी, CTET की तैयारी, KVS की तैयारी, NVS की तैयारी, तो हमारे चैनल पे विजिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक बार ज़रूर प्लीज़ हमारे चैनल पर चक्कर लगाइएगा आप लोग। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की 1 मिलियन सीरीज़ में कौन से क्वेश्चंस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुद्रा प्रणाली के बारे में, भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रकार से थे, और देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई जो है वो रुपया है। RBI की मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपयों की पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में लगभग 1542 में ढाला गया था रुपयों को। तो मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि रुपयों का आविष्कार किसने किया, रुपये का, तो शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। आगे, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में और कागजी मुद्रा जिसे करेंसी का प्रचलन हुआ था 1862 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई थी। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई में है जिसकी स्थापना 1830 में हुई है, हैदराबाद में जिसकी स्थापना 1903 में हुई है, और कलकत्ता में जिसकी स्थापना 1950 में, और नोएडा में अभी लेटेस्ट बनी है 1989 में। 10, 50, 100, 500, 1000 के तो अब नहीं छपते हैं, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छापती है। सेम यहाँ पर देवास मध्य प्रदेश में जो स्थित है, बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100 और 500 के मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज़ तथा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उससे कम राशि की करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली लागू है जिसे अक्टूबर 1956 में अपनाया गया था। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिनमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रास्फीति में ऋणी मतलब कि जो लेनदार होता है उसको लाभ होता है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 से 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर होता है। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा रत्न तथा आभूषण से प्राप्त होते हैं। विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे कहा जाता है, इसकी सदस्यता प्राप्त की थी। भारतीय रुपए के नए चिन्ह जैसे आप लोग जानते होंगे, उसका डिज़ाइन IIT मुंबई के डी उदय कुमार ने किया था। नेक्स्ट हम भारत की कला और संस्कृति के बारे में कुछ नॉलेज देखते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराने हैं, तंजौर, कांजीपुरम और पंडनलूर। कृष्णा अय्यर यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली,
केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की जो भाषा है वो मलयालम होती है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। वलत्तोल नारायण मेनन, आनंद शिव रामन, माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। उड़ीसी उड़ीसा में प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली है। उड़ीसी नृत्य पूर्णता आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक उड़ीसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। यक्षगान केरल का प्रमुख लोक नृत्य है। तो गान से आप गीत ना समझिएगा, यक्षगान एक नृत्य है कर्नाटक का। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नाट्य है। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता और अलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नागर शैली उत्तर भारत के हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्रों में प्रचलित है। भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। बेसर शैली मुख्य रूप से चालुक्यों के काल में कर्नाटक में विकसित हुई, अतएव इसे चालुक्य या कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर बेसर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है। उड़ीसा के मंदिरों में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। सल्तनतकालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। आगे हम बात करते हैं गांधी जी से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं गांधी जी से संबंधित फैक्ट। महात्मा गांधी जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान में। इनकी माता थी पुतलीबाई, पिता थे करमचंद गांधी और पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। इनकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और पुण्यतिथि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे 1893 में एक मुकदमे की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 में वापस लौटे। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे और गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा तथा सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड तथा रोलेट एक्ट के विरोध में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और 11 फरवरी 1922 के चौरा चौरी कांड से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया तथा नवजीवन और 1933 में हरिजन का प्रकाशन किया। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था।
8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना के समय कर दी थी। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट कहलाता है और विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। तो ये थे गांधी जी के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही 100 to 120 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सक्सेस मंच।